दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना चाहता हूं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ही काम आता है। ये एक स्मार्ट SMD टेस्टर है, जिसमें हम कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी देख सकते हैं और डायोड की वैल्यू डायोड चेक कर सकते हैं और बैटरी की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो इस स्मार्ट SMD टेस्टर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 300 ओम से 330 मेगा ओम तक हम चेक कर सकते हैं, और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 3 नैनो फेराड से 30 मिली फेराड तक चेक कर सकते हैं। जनरली नॉर्मल मल्टीमीटर में हम कैपेसिटर की वैल्यू चेक नहीं कर पाते, तो ये SMD टेस्टर बहुत ही हेल्पफुल है फॉर कैपेसिटर की वैल्यू चेक करने के लिए। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिटी इंस्पेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस इंस्पेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च वर्क। तो ये इस जगह पे बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो स्पेसिफिकेशन में दिखाया गया है कि रेजिस्टेंस की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो रेजिस्टेंस की रेंज है 300 ओम, 3 किलो ओम, 30 किलो ओम, 300 किलो ओम, 3 मेगा ओम। तो 300 ओम से 3 मेगा ओम तक इसकी रेंज है, और जो एक्यूरेसी है वो है प्लस माइनस 1.0% प्लस 2। और यहाँ पर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 3 नैनो फेराड से 30 माइक्रो फेराड, और जो कि इसमें एक्यूरेसी है प्लस माइनस 2.5% प्लस 3। और यहाँ पर 300 माइक्रो फेराड से 30 मिली फेराड, और यहाँ पर एक्यूरेसी है 3.0% प्लस 3। तो इसमें यहाँ पर डायोड चेक है, डायोड चेक में जो रेंज है ओपन वोल्टेज रेंज है 2.8 वोल्ट, और टेस्टिंग करंट है 2 मिली एम्पियर। यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि डिस्प्ले काउंट्स हैं 3000, APO का मतलब है ऑटो पावर ऑफ, जो कि इंडिकेट करेगा। उसके बाद ऑटो रेंजिंग है, ऑटो एंड मैनुअल रेंज कर सकते हैं आप इसको, और कंटिन्यूटी बजर है लेस देन 30 ओम के लिए, और ऑटो स्कैनिंग है। इसके बाद LBD है, लो बैटरी डिस्प्ले भी करेगा। और बाकी इधर जो दिए जनरल में दिया हुआ है वो पावर सप्लाई, जो कि एक 3 वोल्ट की बैटरी है, प्रोडक्ट साइज दिया हुआ है, प्रोडक्ट वेट और सेफ्टी रेटिंग दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं। ये कुछ ऐसा प्लास्टिक बॉक्स में पैक होके आता है बिल्कुल प्रॉपर सेफ्टी से। इसका इसका यूजर मैनुअल है कि ये कैसे वर्क करेगा, आप पूरा ऑपरेशन देख सकते हैं इसमें, और सभी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यूजर मैनुअल में। यहाँ पे दिखाया भी गया है प्रॉपर तरीके से। अगर आप देखें तो 1 नंबर पे डिस्प्ले है, जो 2 है वो बटन है होल्ड्स करेंट रीडिंग ऑन स्क्रीन, और F जो बटन है स्विचिंग बिटवीन मेजरमेंट। आप जो कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं वो उससे इससे वो कंपोनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप मेजर करना चाहते हैं। उसके बाद टेस्ट निडल आर्म्स हैं, और इनपुट टेस्ट निडल 5 नंबर पे इनपुट टेस्ट निडल्स प्लस है, और 6 कॉमन टेस्ट निडल है, और 7 जो है बैक साइड में बैटरी कवर है। ये इसका प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या है। तो यूजर मैनुअल बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट का यूज करने से पहले। ये वो प्रोडक्ट है स्मार्ट SMD टेस्टर, जो कि HTC कंपनी का है। और यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स में 2 निडल रखे हुए हैं, टेस्ट निडल हैं। तो ये जो फंक्शन की आप देख रहे हैं, ये फंक्शन की को हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑटो में आ गया है, ओपन लूप है। मेगा ओम में मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करना है अभी, रेजिस्टेंस की यूनिट सेट है। ये मेरे पास एक
पीसीबी है, पीसीबी बोर्ड है जिसपे कि एसएमडी कंपोनेंट्स हैं और थ्रोवल कंपोनेंट्स हैं। तो अगर मैं थ्रोवल कंपोनेंट के बारे में बात करूं, ये कैपेसिटर है जो कि 100 माइक्रोफेराड और 80 वोल्ट का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 100 माइक्रोफेराड का है और 80 वोल्ट का है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कैपेसिटर शायद खराब होने के कारण से इसकी वैल्यू सही नहीं आ रही। ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इस वजह से इस कैपेसिटर की वैल्यू सही नहीं आ रही। मैं आपको दूसरे ठीक वाला कैपेसिटर दिखाता हूँ सर्किट में। जैसे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफेराड है और 250 वोल्ट का है। ये कैपेसिटर जो है 10 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट है। तो हम इसको चेक करते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इस कैपेसिटर की वैल्यू आ रही है 10 माइक्रोफेराड, 10.36 माइक्रोफेराड। यहाँ पर एसएमडी रजिस्टर है, ये एसएमडी रजिस्टर है जिनकी वैल्यू कुछ दिखा देता हूँ कितनी है। 224 रीडिंग है। तो अब आप 224 एसएमडी कोड देखेंगे तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, ये 129.8 किलो ओम का रेजिस्टर है। और यहाँ पर दूसरा रेजिस्टर 123.9 किलो ओम का है। ठीक है, तो हम इस वाले सर्किट में हम यहाँ पर एक एसएमडी डायोड है तो हम डायोड को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर डायोड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने ये डायोड सेट कर लिया है। तो हम डायोड को चेक करेंगे। अभी ये पोलैरिटी रहती है तो डायोड को हम इस पोलैरिटी पे चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायोड 0.417 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम एसएमडी डायोड को चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक एसएमडी कैपेसिटर है। तो अगेन हम कैपेसिटर ये ऑटो मोड में डाला, नैनो फेराड में दिखा रहा है कैपेसिटर की वैल्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 1.696 माइक्रो फेराड का कैपेसिटर है। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने बोला था कि इसमें थ्रोवल कंपोनेंट भी चेक कर सकते हैं, तो हम इस रेजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे क्या आती है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 15.5 ओम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और अगर हम इस डायोड को, ये डायोड को टेस्ट करते हैं, ये डायोड की वैल्यूज क्या है फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं डायोड मोड में और फिर हम इस डायोड की वैल्यू देखते हैं, 0.483 इस डायोड का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। यहाँ पर जीना डायोड दिया हुआ है, जीना डायोड का देख लेते हैं। जीना डायोड का 0.505 वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम स्मार्ट एसएमडी टेस्टर की हेल्प से किसी भी पीसीबी के एसएमडी कंपोनेंट, थ्रोवल कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो नॉर्मल मल्टीमीटर होते हैं, हम उनसे कैपेसिटर वगैरह टेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन इससे हम प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर लेते हैं। इसमें जो फंक्शन की एच है, जो एच की दी हुई है, इसका यहाँ पे जो यूज है, जैसे हम कोई सी भी वैल्यू टेस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो टेस्ट की है हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो मैं इसको रेजिस्टेंस मोड में डाल देता हूँ। ये रेजिस्टेंस मोड में डाली मैंने, यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस मोड में डालने के बाद
मैंने ये होल्ड की प्रेस करूंगा, होल्ड की प्रेस जब की तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी होल्ड हो गई है 122.5 किलो ओम। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट से हटा दिया, फिर भी ये वैल्यू होल्ड है ताकि मैं रीडिंग ले सकूं प्रॉपर तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें कि हम काफ़ी जब तक हम चाहते हैं ये वैल्यू होल्ड रहेगी, और ये डिवाइस ऑटो पावर ऑफ हो जाता है थोड़ी टाइम के बाद। और आप इसको अगर पावर ऑफ खुद करना चाहते हैं बैटरी सेविंग के लिए, तो आप फंक्शन की को कुछ समय के लिए प्रेस करके रखें तो ये बंद हो जाएगा, और चालू करने के लिए फिर से हमको फंक्शन की को थोड़ी देर प्रेस करना रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी के लिए केस दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी डलता है 3 वोल्ट का। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें वीडियो के। थैंक यू।